गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैम छो। मैं अपेक्षा आज मैं आप लोगों के साथ मुंबई लिंकिंग रोड स्ट्रीट शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ। गाइस अगर आप लोगों को स्ट्रीट शॉपिंग बहुत पसंद है मेरी तरह तो आज का हॉल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और मैंने लिंकिंग रोड से बहुत कुछ लिया है अपने लिए, एक्सेसरीज फुटवेयर और क्लोथ्स अपने लिए परचेस किए हैं, वो भी ट्रेंडी टॉप। तो आज का हॉल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग, सो वन बाय वन करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ टॉप शेयर करती हूँ, वहाँ से मैंने अपने लिए टॉप परचेस किया है। ओके, तो सबसे फर्स्ट मेरा ये टॉप है, आप देख सकते हैं गाइस इस तरीके का टॉप। आपको पता है आजकल कितना ट्रेंड में चल रहा है और मीशो पे इस तरीके के टॉप 450-500 से स्टार्ट होते हैं। और मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताना चाहूँगी। ये टॉप पहले आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरह की स्लीव है इसकी। ओके, और पूरा ये टॉप एकदम डार्क ऑलिव ग्रीन कलर का ये टॉप है। और ये टॉप का मुझे कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आ गया था इसलिए मैंने इसको एक ही बार देख कर ले लिया। अब मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताना चाहूँगी, मुझे कितने का पड़ा है। 250 में मुझे शायद मिल गया था, शायद नहीं 250 में ही मैंने इसको अच्छे से बार्गेनिंग करके लिया था। ये टॉप भैया मुझे 500 का बोल रहे थे, 550 या फिर 500 का कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करवाई और मुझे फाइनली 250 में मिल गया। गाइस आप लोग भी अगर लिंकिंग रोड जाना चाहते हैं, अगर आपको बार्गेनिंग आती है अच्छे से करवानी तभी जाइएगा, वरना फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है। गाइस आधे से भी आधे कम में आप आधे से भी आधे प्राइस में वो लोग आपको चीज़ दे देते हैं, तो कुछ इस तरीके का होता है लिंकिंग रोड पे। पहले ही मैंने आपको बता दिया। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैंने ये टॉप लिया है जो मेरा फेवरेट में से एक है। ओके, फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये है इसका फ्रंट साइड और ये है इसका बैक साइड, सेम ही है। ओके, और हाई नेक से थोड़ा कम आप बोल सकते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट टॉप जो मैंने लिंकिंग रोड से अपने लिए परचेस किया है। नेक्स्ट गाइस मैंने वहाँ से अपने लिए ये हेयरबैंड परचेस की है। ओके, आप देख सकते हैं गाइस वहाँ पे इतनी ज़्यादा हेयरबैंड की वैरायटी थी, सब 50-50 रुपीज़ में भैया दे रहे थे, तो फिर मैंने ये एक ले ली। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा मन था और भी हेयरबैंड लेने का, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी में एक ही परचेस की और ये है। ओके, और कलर भी बहुत ही प्यारा है। ओके, ग्लिटरी ग्लिटरी सा इसके ऊपर पूरा वर्क है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हेयरबैंड मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में वो भैया ने दे दी, फिर मैंने ज़्यादा भावता भी नहीं करवाया, ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करवाई क्योंकि अच्छा है 50 रुपीज़ में। तो ये फिर नेक्स्ट गाइस मैंने वहाँ से अपने लिए टॉप परचेस किए थे, टॉप नहीं सॉरी टी शर्ट परचेस की थी। आप देख सकते हैं ये 100 रुपीज़ की टी शर्ट है। ओके, अभी समर आ रहा है सो मैंने समर को ध्यान में रखते हुए अपने लिए शॉपिंग की है। ये 100 रुपीज़ की टी शर्ट है। ओके, ये कलर भी बहुत अच्छा है, एकदम लाइट है, समर के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट गाइस मैं आप लोगों को पहले टी शर्ट दिखा देती हूँ, अगेन एक टी शर्ट है ये। ओके, तो ये भी मुझे 100 रुपीज़ में मिल गई थी, वो भैया 150 बोल रहे थे, फिर मैंने अच्छे से थोड़ा बहुत बार्गेन करवाया और वो भैया ने 100 में दे दिया। और इसका मटेरियल गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, बैक साइड आप देख सकते हो। ओके, एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा है 100 रुपीज़ में, तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं भी नवसारी में तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली, तो ये भी 100 रुपीज़ का ही है। ओके, नेक्स्ट गाइस मैंने एक बेड परचेस किया है अपने लिए, तो आप देख सकते हैं। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आप लोगों को पता ही होगा मैंने रील्स भी बनाई हैं। तो ये बेल्ट है, ये बेल्ट मैंने 150 में परचेस किया है, वो भैया 350 बोल रहे थे, लेकिन फिर मैंने फिर से अच्छे से बार्गेनिंग करवाई और वो भैया ने मुझे दे दिया 150 में। तो आप देख सकते हैं गाइस वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बेल्ट मिल रहे थे, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया मेरे पास टाइम बहुत कम था। और ये बेल्ट गाइस ऐसा है कि आपको बहुत सारे आउटफिट के साथ चल जाएगा, आप साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, वन पीस और बहुत सारे कुछ के साथ इसे आप स्टाइल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट बेल्ट है। ओके, जो मैंने लिंकिंग रोड से परचेस किया है। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि अगर आप लिंकिंग रोड जाना चाहते हैं, अगर आप गर्ल्स हो तो डेफिनेटली लिंकिंग रोड जा सकते हैं गाइस, क्योंकि लिंकिंग रोड पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो गर्ल्स को नीड होती है। ओके, आपके ब्रास पैंटी
और फुटवेयर, फुटवेयर के लिए तो आपको डेफिनेटली लिंकिंग रोड ही जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, इतनी ज़्यादा वैरायटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और इतनी चीप प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी के आपको फुटवेयर वहाँ से मिल जाएगी। ओके, क्योंकि मैंने भी वहाँ से फुटवेयर लिए हैं और इससे पहले भी मैं गई थी तब भी मैं बहुत सारे फुटवेयर लेकर आई थी, लेकिन इस बार जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो जल्दी जल्दी में मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। और फुटवेयर प्राइस वो लोग आपको 800, 900 या फिर 1000 ऐसी प्राइस बोलेंगे, लेकिन वो लोग आपको 200, 300 में तो आराम से दे देते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। नेक्स्ट, मैंने वहाँ से अपने लिए 2 शॉर्ट्स परचेस किए, जैसे कि समर आने वाला है सो घर पे पहनने के लिए बहुत अच्छा है, राइट। इस तरीके के शॉर्ट्स घर पे पहनने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और गुजरात की गर्मी तो बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है यहाँ पे नवसारी में स्पेशली। और ये एक और शॉर्ट्स मैंने वहाँ से परचेस किया है। ओके, ये भी बहुत अच्छा है, कॉटन है, पहनने में कंफर्टेबल है और मैं इसमें जितनी कंफर्टेबल रहती हूँ इतनी किसी और क्लोथ्स में नहीं रहती हूँ और शायद आप लोग भी होंगे, राइट। शॉर्ट्स में हम, शॉर्ट्स और टी शर्ट में हम जितने कंफर्टेबल रहते हैं उतना हम किसी और कपड़े में नहीं रहते हैं। ओके, नेक्स्ट गाइस, मैंने वहाँ से अपने लिए 2 जीन्स परचेस किए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, एंकल लेंथ जीन्स है और हाई वेस्ट जीन्स हैं इस तरीके के और बैक साइड से कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा। ओके, तो आजकल मुझे हाई वेस्ट जीन्स ही पसंद आ रहे हैं और ये जीन्स भैया ने मुझे कितना बोला था, 800 बोला था, लेकिन बार्गेनिंग करवाते धीरे धीरे 100-100 रुपये कम करवाते 700, 800, 500, 400 और वो भैया ने मुझे आई थिंक 400 में ही दिया था, हाँ 400 में वो भैया ने मुझे दे दिया था। फिर मैंने भी चाहता बार्गेनिंग नहीं करवाया क्योंकि वो भैया थोड़े खड़ूस थे। ओके, तो फिर खड़ूस मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, वो भैया बहुत चिक चिक कर रहे थे इसलिए भी मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करवाया। वहाँ से मैंने एक और जीन्स परचेस किया है अपने लिए, आप देख सकते हैं वो भी ये भी 400 का ही है। पहले आप लोग देख लीजिए, हाई नेक जीन्स है और गाइस इसकी पैटर्न मुझे बहुत पसंद आई, थोड़ा डिफरेंट है। ओके, बैक साइड में आप लोगों को इस तरीके का बेल्ट मिल जाता है, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसके साथ क्रॉप टॉप वगैरह पहनते हो तो काफ़ी अच्छा लुक आता है वो। ओके, ये भी एंकल लेंथ है इस तरीके का और कलर काफ़ी डिफरेंट है, मेरे पास इस तरीके का कलर का जीन्स नहीं था सो मुझे अच्छा लगा और 400 में काफ़ी अच्छी डील है। मुझे नहीं लगता ऑनलाइन या फिर यहाँ से मुझे इतनी कम प्राइस में मिलेगा और इस तरीके का जीन्स वो भी। ओके, तो ये मेरा सेकंड जीन्स। अब गाइस मैंने वहाँ से उसके पहले मैं आप लोगों को ये शॉर्ट्स दिखा देती हूँ। ये येलो कलर का एक और शॉर्ट्स मैंने वहाँ से परचेज किया है, ये भी 100 रुपीज़ का ही था। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 दिखाए वो भी 100 रुपीज़ के ही मुझे, सॉरी 100 रुपीज़ की नहीं, मैंने इसको 70 रुपीज़ में परचेज किया है। रुके, मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई, ये 2 और ये 3, सॉरी ये थोड़ा लेंथ इसकी ज़्यादा है तो मुझे वो भैया ने ये 100 रुपीज़ में दिया था और ये 2 शॉर्ट्स जो आप लोग देख रहे हैं ना वो मुझे 70 रुपीज़ में पड़े थे, आई मीन 100 रुपीज़ बोल रहे थे पहले। फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत कम हो तो करवा लेते हैं, पहले मुझे लगा था कि 100 रुपीज़ से कम में तो ये नहीं देने वाले हैं, लेकिन वो भैया अच्छे थे तो मुझे 70 रुपीज़ में ये 2 शॉर्ट्स, आई मीन एक 70 रुपीज़ का और ये भी 70 रुपीज़ का, इस तरीके का 2 शॉर्ट्स मुझे मिल गया था। ओके, अब गाइस मैं आप लोगों को एक टॉप दिखाना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, ये सारे हॉल में से ये भी मेरा फेवरेट आप बोल सकते हैं। ओके, ये हॉल में से ये भी मेरा फेवरेट आप बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बेज या फिर कौन सा कलर, आई डोंट नो, ऑरेंजी, इस तरीके का कलर आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके का ये टॉप है पूरा और ओके, इसकी स्लीव आप देख सकते हैं इस तरह की स्लीव है, बैक साइड से पूरा इस तरीके का है और यहाँ पे आप लोगों को इस तरह की ट्रांसपेरेंट वो मिल जाती है। ओके, बैक साइड से पूरा ये सेम ही है। अब ये टॉप की प्राइस की बात करें तो मुझे 300 में मिल गया था, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था इसलिए मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करवाई और मैं इसे मिस नहीं करना चाहती थी सो इसलिए फिर मैंने ये टॉप 300 में
खरीद लिया वो भैया से। ओके तो ये है मेरा टॉप। अब नेक्स्ट एंड लास्ट में आप लोगों के साथ गाइस फुटवेयर शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने लिंकिंग रोड से परचेज की अपने लिए शूज है। ओके ओ माय गॉड गाइस, पहले आप ये शूज देख लीजिए फिर मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताऊंगी। ओके और जल्दी जल्दी आप गेस कीजिए कि ये मुझे कितने का मिला होगा। पहले आप देख लीजिए, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो मैंने इसके साथ रील्स बनाई। ओके तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने यही शूज वेयर किए थे। चलिए अब मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को इस तरह की चेन मिलती है। ओके तो कुछ इस तरीके का ये शूज हैं। और क्वालिटी की बात करें तो गाइस सो गुड। ओके आँख बंद करके आपको लेना चाहिए ये शूज। और ओके कुछ इस तरीके का ये शूज है। चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताना चाहूंगी। गाइस अगर आप मेरी जगह होते तो आप 900 या फिर 800 देकर आ जाते, क्योंकि ऑनलाइन भी ये शूज 900-800 के ही मिलते हैं सिंपल। लेकिन अगर ब्रांड के लेना चाहोगे तो आपको 1000-2000 से स्टार्ट होते हैं। ओके लेकिन वो भैया ने मुझे ये शूज कितने का दिया आपको पता है? बार्गेनिंग करवाते करवाते वो भैया ने मुझे 300 में ये शूज दे दिया था और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और फिर क्या हुआ बताओ आप लोगों को, इससे थोड़ा और आगे मैं गई और यही एक भैया शूज लेके बैठे थे तो मैंने फिर बोला ये कितने का दोगे, ऐसे ही मैं टाइम पास कर रही थी। टाइम पास नहीं, मुझे देखना था कि वो कितने का दे रहे। ओके क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ले लिया था तो वो भैया ने मुझे कितने का बोला बताया आपको, मैडम 350 में लेके जाइए। और फिर मैंने बोला आप कितने का दोगे, तो वो भैया ने बोला चलिए फिर आप दे दीजिए 300। फिर मैंने बोला 250 में दोगे क्या, तो वो भैया ने हाँ बोल दिया था गाइस कि हाँ 250 में लेके जाओ। फिर यार मैंने तो ऑलरेडी ले लिया था, ऐसे ही मैं वहाँ से चली आई और वो भैया बहुत मुझे चिक चिक भी कर रहे थे कि पहले तो आप भाव करवाते हो और फिर लेके नहीं जाते हो फलाना ढंका। ओके तो ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, इसलिए आप जब भी लिंकिंग रोड जाओ अच्छे से बार्गेनिंग करवाओ। ओके बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करवाओ तभी लो। और ऐसा भी नहीं है कि आप इतने कम प्राइस देते हो तो आपको क्वालिटी भी चीप मिलेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ओके बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आप बोल सकते हैं। सो गाइस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने लिए लिंकिंग रोड से परचेज की हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरे हॉल में बताया, अगर आप लोग बार्गेनिंग करना आता हो, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तभी आप लिंकिंग रोड चाहिए। सच बोलो तो मुझे मुंबई का बेस्ट मार्केट लगता है लिंकिंग रोड, और मैं लिंकिंग रोड कई बार जा चुकी हूँ, 3-4 बार मैं जा चुकी हूँ। ओके गुजरात में रहती हूँ फिर भी मैं मुंबई स्पेशल स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाती हूँ और लिंकिंग रोड मेरा फेवरेट आप बोल सकते हैं। सो गाइस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस बार अपने लिए लिंकिंग रोड से शॉपिंग की है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का हॉल पसंद आया होगा। हॉल पसंद आया हो तो लाइक जरूर करते जाएगा, चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अपेक्षा नायक पटेल, सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आजकल बहुत अच्छे अच्छे रील्स अपलोड कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।